हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो CGPDTM की तरफ से निकल कर आ रही है। सो ये फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, विदाउट गेट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें आप लोगों को पैकेज 12 लैक्स पर एनम मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 500 प्लस है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाके डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल इंट्यूशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल इंट्यूशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स की तरफ से निकल कर आ रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल या तो टेम्पोररी जॉब नहीं है। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे एग्जामिनर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जो कि ग्रुप ए का पोस्ट है, जिसमें आप लोगों का पे स्केल लेवल 10 के हिसाब से यानी कि 56,100 से लेके 177,500 रहेगी। और उसके साथ साथ आप लोगों को अलाउंसेस और बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। और सब कुछ ऐड करने के बाद आप लोगों को टोटल CTC 12 लैक्स पर एनम मिल जाएगी। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 14 जुलाई 2023 से। प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए एडमिट कार्ड आउट होगा 14 अगस्त 2023 पे। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा 3 सितंबर 2023 पे। मेन एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड आउट होगा 18 सितंबर 2023 पे। मेन एग्जामिनेशन होगा 1 अक्टूबर 2023 पे। इंटरव्यू होगा 11th और 12th नवंबर 2023 पे। और फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट आउट होगा 17th नवंबर 2023 पे। वैकेंसीज का जो ब्रेकअप है वो यहीं पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 553 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे फर्स्ट है एग्जामिनर बायोटेक्नोलॉजी के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोफिजिक्स डिसिप्लिन में से मास्टर्स किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है एग्जामिनर बायोकेमिस्ट्री के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग बायोकेमिस्ट्री में से मास्टर्स किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है एग्जामिनर फूड टेक्नोलॉजी के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग फूड टेक्नोलॉजी या तो फूड इंजीनियरिंग में से 4 साल का BBTEC किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है एग्जामिनर केमिस्ट्री के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग केमिस्ट्री में से MSc या तो केमिकल टेक्नोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BBTEC किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग पॉलीमर साइंस में से MSc या तो पॉलीमर टेक्नोलॉजी और पॉलीमर इंजीनियरिंग में से 4 साल का BBTEC किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BBTEC किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिसिप्लिन में से 4 साल का BBTEC किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BBTEC किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से मास्टर्स या तो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से 4 साल का BBTEC किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है एग्जामिनर फिजिक्स के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग फिजिक्स में से MSc किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है एग्जामिनर सिविल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BBTEC किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है मैकेनिकल और मेटलर्जिकल वालों के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मेटलर्जिकल और मैकेनिकल डिसिप्लिन में से 4 साल का BBTEC किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट है एग्जामिनर टेक्सटाइल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BBTEC किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे अप्लाई करने के लिए जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 21 ईयर्स लेके
35 ईयर्स का रखा गया है। उसके अलावा अगर आप लोग SC ST OBC PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके एडुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो भी मार्क्स है उसके बेसिस पे आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग प्रीलिम्स में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा आप लोग का मेन एग्जामिनेशन, और अगर आप लोग मेन एग्जामिनेशन पे क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद होगा आप लोग का इंटरव्यू, और अगर आप लोग इस तीनों स्टेज में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। तो फर्स्ट बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स यहीं पे आप लोग का जो प्रीलिम्स होगा वो ऑनलाइन होगा। इसमें टोटल 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल एग्जामिनेशन के लिए 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है, जिसमें जनरल इंग्लिश में से 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, 15 मार्क्स का एग्जाम होगा। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में से 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, 30 मार्क्स का एग्जाम होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, 30 मार्क्स का एग्जाम होगा। जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स में से 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, 30 मार्क्स का एग्जाम होगा। जनरल साइंस में से 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, 30 मार्क्स का एग्जाम होगा। और उसके साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेजिस्लेशन और WIPO में से 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, 15 मार्क्स का एग्जाम होगा। नेक्स्ट डे मेन एग्जामिनेशन के लिए, इसमें आप लोग का जो मेन एग्जामिनेशन होगा वो ऑफलाइन होगा। टोटल एग्जामिनेशन को 2 पेपर में डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट होगा आप लोग का पेपर 1 जो कि OMR बेस्ड होगा, और उसके बाद होगा आप लोग का पेपर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होगा। पेपर 1 में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, और पेपर 2 300 मार्क्स का होगा। पेपर 1 के लिए 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है, जिसमें जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स में से 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, 20 मार्क्स का एग्जाम होगा। जनरल एप्टीट्यूड में से 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, 20 मार्क्स का एग्जाम होगा। एलिमेंटरी मैथमेटिक्स में से 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, 20 मार्क्स का एग्जाम होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में से 20 और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में से 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी और 20 मार्क्स का एग्जाम होगा। उसके बाद पेपर 2 में आप लोग जो भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करोगे उसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में से क्वेश्चंस रहेगी। एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो इस नोटिफिकेशन के लास्ट में मेंशन है, तो आप लोग अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। टोटल पेपर 2 के लिए 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है, टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। हर एक डिसिप्लिन के लिए एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो यहीं पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट में विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो फ्रेंड्स यहीं पे जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी रखा गया है। सिमिलरली SC ST PWD वीमेन EWS और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज एप्लीकेशन फी रखा गया है। एप्लीकेशन फी आप लोग को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। तो फ्रेंड्स यही इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जरूर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।